यूपी के बदमाशों का दुस्साहस किस कदर बढ़ रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। ताज़ा मामला मैनपुरी में उस वक्त देखने को मिला जब बाइक सवार बदमाशों ने दंपति को हथियारों के बल पर आतंकित कर लूट ली। विरोध करने पर बदमाशों ने दंपति के साथ मारपीट भी की और वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बेखौफ तरीके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित दंपति की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल ये पूरा मामला मैनपुरी के ओंचा थाना इलाके के नगला केहरी मोड़ का है। बताया जाता है कि एक युवक अपनी बीवी को लेकर ससुराल में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। जैसे ही वो ऊंचा थाना इलाके के नगला केहरी मोड़ पर पहुंचे तो अपाचे सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और तमंचे के बल पर आतंकित करते हुए नकदी और जेवरात लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश तमंचा हवा में लहराते हुए ऊंचा की तरफ को भाग निकले। मामले की जानकारी किसी तरह पीड़ित को डायल 112 को दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हम आ रहे थे बाइक पे दोनों लोग, वो भी दोनों लोग आए, उसके बाद उन्होंने अपाचे आगे लगा दी पर हमें रोक लिया। उसके बाद जंजीर जाले फाले तोड़ लिए, उसके बाद जंजीर टूर के भाग गए, तमंचा रख दिया छाती का। क्या लोग थे वो? दो। मुंह बांधे थे कि नहीं? नहीं, मुंह नहीं बांधे थे। अच्छा, गाड़ी नंबर कटी हुई थी, प्लेट कटी हुई थी। अपाचे कलर कौन सा था? व्हाइट कलर था अपाचे का, पुराने मॉडल का। टाइम क्या हुआ होगा उस टाइम? 2:15 या 2:30 हो। 2:30 बजे का टाइम था। और आपकी लूटपाट करके किधर वापस हुए? ऊंचा की तरफ आए। किधर से थे? इधर से ही आए। ऊंचा से आए? हाँ, इधर ही।